साईं को पाने में दौड़ा बहुत, साईं को पाऊंगा ये यकीन था। थक के जिस्म चूर चूर हुआ, जो टूट गया वो गुरूर था। साईं सदा ही मेरे साथ थे, मुझे न इसका इल्म था। रहा जिसे दर दर खोजता, वो सदा ही मेरे करीब था। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साईं बाबा कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। और ये अनुभव हम में से कई साईं भक्तों को अक्सर आता रहता है। साईं भक्त मन ही मन बाबा से बातें करते हैं, बाबा भी उनकी सुनते हैं, उन्हें जवाब देते हैं और बिन कहे ही अपने भक्त के मन की मुराद पूरी करते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव रहा अमृतसर पंजाब के साईं भक्त श्री मुकेश जी का। क्या हुआ था उनके साथ जब वे बाबा के दर्शन करने शिरडी आए थे, आइए आपको उनका ये सुंदर अनुभव उन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी साईं के दीवानों से मैं ये कहूँगा कि बाबा की अगाध लीला का कोई अनुभव आपके जीवन में आपको आया हो तो आप उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका अनुभव हज़ारों साईं भक्तों तक पहुँचाने में, साईं की लीला का बखान करने में एक माध्यम बनकर हमें बड़ी खुशी होगी। इसके लिए स्क्रीन पर दिख रही मेल आईडी पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। ओम साई राम। सभी पहले तो सभी साईं भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो साईं भक्त जहाँ जिस मनोकामना से आए हैं, बाबा उन सबकी मनोकामना पूरी करें। मैं बाबा से 2010 से बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं नहीं जुड़ा, बाबा ने खुद जोड़ लिया। जैसे कि साईं चित्र में बताया गया है कि बाबा अपने भक्तों को खींच के ले आते हैं, बुरहानपुर की महिला, बहुत सारे किस्से हैं साईं चित्र में कि बाबा जिस भक्त को चाहा है उसको खींच के लाते, किसी न किसी माध्यम से अपने पास ले आते हैं। तो बाबा बिना मकसद किसी न किसी को मिलाते नहीं हैं। कुछ ना कुछ हमारे ऋण बंधु होते हैं, उसके लिए बाबा हमको एक दूसरे से मिलाते हैं। लाइफ का एक ही साईं को सबसे पहले हमको जानना चाहिए। साईं को जानना है तो आपको साईं चित्र पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब ने बताया कि अपना कोई ना कोई बाबा के साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, एक बाबा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि बाबा अपने भक्त के भाव को कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। छोटा एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं। 2020 में सबको आप भक्तों को पता होगा कि ताकि कोरोना की महामारी के चक्कर में साईं टेंपल बंद हो गया था, तो उसके बाद 2021 में मंदिर दोबारा ओपन हुआ था 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर को मंदिर खुलने से पहले मैं बहुत बार कोशिश किया कि बाबा शिरडी आना है, तो बाबा ने कभी शिरडी आने दिया ही नहीं, क्योंकि पता था कि शिरडी आने से फ़ायदा तो है नहीं कोई, मंदिर बंद था, दर्शन होंगे नहीं। पर मैं निरंतर प्रयास करता था कि बाबा ने बोला जो शिरडी में आएगा आपा दूर भगाएगा, तो मैं ये सोचता हूँ शिरडी के अंदर आ गया बहुत, इतना मेरे लिए बहुत था। पर बाबा ने उस टाइम आने का मौका नहीं दिया मेरे को शिरडी। तो फिर 8 अक्टूबर को 2021 में आपको पता होगा मंदिर फर्स्ट नवरात्र के दिन ओपन हो गया था। तो बट जैसे मंदिर ओपन हुआ तो व्हाट्सएप पे बड़ा अच्छा मंदिर ओपन का वीडियो रिलीज़ हुआ था, तो मैंने उस वीडियो को देखा तो मेरा तो भाई दुनिया बहुत खुश हुए थे उस देखे मंदिर खुल गया। बट मैं बहुत रोया था उस दिन, क्योंकि मैं बहुत बाबा से प्रयास कर रहा था मिलने का, बट बाबा मुझे मंदिर में आने नहीं दे रहे थे। तो जैसे मंदिर खुला और मेरा को बाबा बुलाए नहीं, फिर बाबा से रात भर बैठ के बहुत बातचीत किया, बाबा बात करते हैं आप करके देखो ना पहले, तो बाबा मुझे इस बात का जवाब चाहिए मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने। फिर बाबा मुझे 13 अक्टूबर को मैं शिरडी बुला लिए मेरे को। फिर 13 अक्टूबर को जैसे मैं शिरडी पहुँचा तो सबसे पहले आके मैंने किसी दुकानदार से पूछा भाई मेरे को काकड़ आरती देखना है। तो दुकानदार जो था वो बोला भाई अभी ओनली 35-40 लोग आरती में जाते हैं, कोई जो VIP हैं जहाँ हैवी डोनेशन है आपके पास है तो आप अपना पास ले लीजिए तो आप चले जाओगे। तो मैंने बताया भाई इतना हैवी डोनेशन भी नहीं है और VIP हुई नहीं मैं, तो जैसे कि बाबा की इच्छा बाहर बैठ के देख लेंगे, इतना उस दुकानदार को बोला था।
अपना मंदिर में ऑनलाइन पासेस थे, लेके दर्शन करके बाहर आ गए। शाम के टाइम के ऊपर मैं यहाँ पे खड़ा था हनुमान मंदिर टेंपल के पास, यहाँ पे दिया जलाते हैं बाबा का। तो उस टाइम मास्क, सबको पता है 2021 के अंदर मास्क पहनते, सभी लोग मास्क पहनते थे, मैंने भी मास्क पहना हुआ था, सिर पे कपड़ा बांधा हुआ था। तो एक लेडीज़ यहाँ खड़े थे, वो मेरे को बार बार देखते जा रहे हैं, बार बार देख रहे। तो मैंने सोचा अननोन लेडी क्यों देख रही, मैं वहाँ से सोचा चलता हूँ यहाँ से, कौन है पता नहीं। फिर जैसे आवाज निकलने को, उसने मुझे आवाज़ दे दिया, बोला मुकेश भैया, मेरा नाम लेके पुकारा उस लेडीज ने। तो मेरे भी शॉक्ड हो गए, भी ये कौन है, कैसे पहचान लिया इसने मेरे को, ना तो फेस दिख रहा है ना कुछ है, आँखों से कैसे पहचान लिया। पर ठीक है बाबा, देखते हैं। तो मैं बोला भैया आप दीदी कौन, अपना मास्क नीचे कीजिए पहले। मास्क नीचे किया तो उसने बोला दीदी मैं आपको नहीं जानता, हम तो कभी मिले नहीं। बोले भैया हम कभी नहीं मिले, बट मैं आपको देखा है, आपको मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है आपको, मैंने आपका फेस देखा है मैंने कहीं। तो मैंने आप आँखों से पहचान लिए मेरे को। बोले बाबा की मर्जी होगी, कोई बात नहीं। तो इतने में उनके हस्बैंड आ जाते हैं, तो उसके हस्बैंड से इंट्रोड्यूस कराते कि ये मुकेश है पंजाब से। तो उसके हस्बैंड में से फर्स्ट मुलाकात में देखो, कोई मैं भी होता, मैं भी अपनी वाइफ को नहीं बोलता कि भी इसके साथ चला जा। उसके हस्बैंड ने मुझे VIP पास दे दिया, बोला अमृता, उनका नाम अमृता था, बॉम्बे से थी, कि ये VIP पास लो, दोनों दर्शन करके आओ। तो मेरे तब तक वो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, कि अननोन आदमी है, फर्स्ट मीटिंग में एक बिल्कुल VIP पास ही दे दिया, पकड़ा दिया मेरे को। मैं फिर अमृता दोनों मंदिर में दर्शन ले गए। उस टाइम के अंदर मंदिर में ये सिचुएशन था कि समाधि मंदिर के अंदर से द्वारका माई से निकाल के बाहर भेजते थे, और मुश्किल से एक मिनट का समय भी वहाँ पे बैठने को नहीं मिलता था। तो मैं और अमृता बाबा कृपा से वहाँ 1.5 घंटा बैठे समाधि मंदिर के अंदर, हम दोनों, हम कोई उठाने वाला नहीं वहाँ पर। तो मैं बाबा कोई चमत्कार है तेरा, कोई बात नहीं। फिर बाहर आ गए हम, फिर बोले अमृता ठीक है भैया मेरे साथ चलो होटल चलो। मैं मतलब ये होटल नहीं जाऊँगा, बोले भैया चलो। हमको, मैं डर रहा था कि अननोन लेडी फर्स्ट मुलाकात में, इतना मतलब क्या हुआ, बाबा का प्लान था उसके पीछे। तो फिर उसके साथ मैं गया होटल लेगी, उसके हस्बैंड का खाना खिलाया मेरे को। जब उस वहाँ से मुझे CF करने लगी, तो उसने मुझे एक बात बोली, भैया सुबह 4 बजे आना, ये पास ले जाओ, काकड़ आरती में हम दोनों चलेंगे। उस टाइम पे काकड़ आरती मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं तो वही बात सुबह बात किया था किसी दुकानदार से कि भाई काकड़ आरती देखना है, तो बोला भाई VIP हो जहाँ आपको VIP डोनेशन। बाबा ने उसको भेज दिया, मैंने डोनेशन भी नहीं दी, VIP भी नहीं दिया। तो उस लेडीज़ के साथ जैसे मैं मंदिर में सुबह 4 बजे काकड़ आरती करने गया, तो दर्शन के, तो वही बात याद आई बाबा की, कि मेरे भाव अच्छे थे। बाबा ने समझ, मैं बहुत बार ट्राई कर चुका था आने की, तो बाबा ने इस समय उठाकर काकड़ आरती दिखाया। उसको मैं उस टाइम बाबा से झगड़ा किया था कि बाबा मेरे को आपने बुलाया नहीं, 8 को मंदिर खुला, मैं 12-13 को आ रहा हूँ, मतलब मेरा लाखों 5 लाखों में नंबर पड़ रहा है, मैं ऐसा नहीं, मेरे को आपके क्लोज रहना है। तो उस बाबा ने उसे आरती में ये जवाब दिया मेरे को, भाई देख कहाँ बैठा है आज। उस टाइम काकड़ आरती में 35 से 40 लोग होते थे ओनली, उस काकड़ आरती में मैं भी बैठा हुआ था। तो वही बाबा भक्तों के भाव समझते हैं, तो वही जैसा भाव आपका रहेगा बाबा उसी भाव से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली बात कि बाबा के पास जाने किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। आप सब हम एक ही हमला आप सबसे विनती करते हैं कि आप एक साइंस चित्र को पढ़ा कीजिए, कोशिश करो साइंस चित्र के साथ जोड़ने की। आपका मैं ज़्यादा समय ना लेते हूँ, एक बार आप फिर सबको बाबा से प्रे करता हूँ, जो जो भक्त जिस उम्मीद से नए साल के मनाने उसकी बाबा मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। ओम साई राम।